हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका टॉप 10 क्लासेस के कड़ बैच में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर, फिजिक्स के दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है 2023 के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, जो फिजिक्स का एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है डियर स्टूडेंट, वो आज हम लोग जानेंगे। और किस हिसाब से पढ़ें कि हमको फिजिक्स में 95% या 95+ नंबर हमको टारगेट लेके चलना है डियर स्टूडेंट। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और जो चैनल पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को जम के शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला देखिएगा, आपका जो भौतिक विज्ञान है वो दो भागों में पढ़ना है। एक पहला भाग है भाग एक, भाग दो। भाग दो में आपको 8 अध्याय है, भाग एक में 8 अध्याय है, यानी मिला जुला के आपको 15 अध्याय पढ़ने हैं। भाग एक में 8 अध्याय और भाग दो में 7 अध्याय, और हर एक भाग से आधे आधे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, यानी आपको पूरे पूर्णांक जो होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं। जो इंटर की फिजिक्स के पेपर होते हैं वो पूरे 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपके थ्योरी रहते हैं, सॉरी 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल रहते हैं, जो कि प्रैक्टिकल आपको प्रोवाइड होता है। 30 नंबर वो आपके स्कूल या कॉलेज से मिलते हैं। 70 नंबर आपके हाथों में रहता है, वो 70 नंबर आपको टारगेट करना है, और टारगेट करना है, अब टारगेट करके जो है 65-67 के करीब लेके आना नंबर। तो हम लोग एक हिसाब से पढ़ेंगे, एक सरल लैंग्वेज में पढ़ेंगे, और पूरा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि डियर स्टूडेंट आपका जरूर अच्छा मार्क आएगा। 65+7 आपका नंबर आएंगे, 70 में 100 की बात नहीं कर रहे हम। तो आइए, तो सबसे पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। देख सकते हैं पहला चैप्टर आपको बताया गया है कि आपको इसमें क्या पढ़ना है। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इसी में आप लोग जानोगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कैसे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे आवेश उत्पन्न किया जाता है, तमाम चीज़ों को जानोगे इस चैप्टर के बारे में। और एक अच्छा इंटरेस्टेड चैप्टर है, और अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में भी, मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। और साथ में जो कुछ हो सकेगा, जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा वो चीज़ जरूर प्रैक्टिकल के रूप में करके दिखाया जाएगा आपको, कि जिससे आप सीखो क्या ऐसा होता है क्या नहीं होता। तो आपको जो है हम लोग कण बैच में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को लेकर पढ़ाएंगे, और एकदम सरल भाषाओं में। दूसरा चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, यानी जो आपके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का दूसरा चैप्टर है, वो दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यानी इसके चैप्टर इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैद्युत विभव और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। यानी वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारिता क्या होती है, फिर उसके बाद संधारित्र पढ़ेंगे। इसी में आपके और सारे टॉपिक आते हैं जो कि इंटरेस्टेड टॉपिक होते हैं, हम उनको पढ़ेंगे। सौरभ सर आप फिर से बोल रहे हैं, ठीक। तीसरा चैप्टर होता है विद्युत धारा, तीसरा चैप्टर क्या है विद्युत धारा। अब इसके तीसरे चैप्टर के बारे में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे विद्युत धारा उत्पन्न होता है, कैसे विद्युत धारा के कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, वो सब चीज़ें आपको तीसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा एक इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़कर, और मज़ा भी आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो गतिमान आवेश के कारण ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। चुंबकत्व क्या होता है, चुंबक क्या होते हैं, तो इन सब की डिटेल से जानकारी हम लोग अध्याय 4 में करेंगे। अध्याय 5 आपका है चुंबकत्व एवं द्रव्य, यानी चुंबकत्व, चुंबक से संबंधित कुछ पदार्थ होंगे, कौन कौन से पदार्थों में चुंबकीय गुण होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में। यानी ये भी चैप्टर पूरा, ये चैप्टर पूरा थ्योरी पोर्शन है, इसमें ज़्यादा आपके न्यूमेरिकली पोर्शन नहीं मिलेंगे। तो चुंबकत्व एवं द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे अध्याय 5 में। अध्याय 6 क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जानकारी हम लोग अध्याय 6 में करेंगे। अध्याय 7 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और अच्छा सा चैप्टर है ये, प्रत्यावर्ती धारा। यानी आप इसको जानोगे प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारे चीज़ें जानने के मिलेंगे आपको। 8वां चैप्टर होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे,
तरंगे क्या हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं, तो इन सब की जानकारी हम लोग अध्याय 8 में करेंगे। और इस प्रकार आपका जो भाग एक है, यूनिट एक है फिजिक्स का, वो समाप्त हो जाता है 8 चैप्टर पढ़ने के बाद। और डियर स्टूडेंट, डियर गाइज, जैसा कि आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों का, आप लोग चाहते होंगे, आप लोगों के मन में ये उठता होगा कि सर कुलाम के नियम बताएं, कुलाम के नियम के बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया गया, फिर गॉस के नियम बताए गए, तो आपके मन में होता होगा कि सर हर एक टॉपिक पे, हर एक नियम पर अलग अलग न्यूमेरिकल कराया जाए, तो वो ज़रूर कराएंगे प्यारे बच्चों। इस क्लास में आपका जैसे ही पहला चैप्टर समाप्त होगा, तो पहले चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको ज़रूर हर एक टॉपिक पे न्यूमेरिकल का अभ्यास कराया जाएगा, और साथ में एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे आपका। इसी प्रकार जब आप अध्याय 8 पढ़ने के बाद भाग 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि अध्याय 9 आपका है। अध्याय 9 क्या है? किरण प्रकाशकी एवं प्रकाशकी यंत्र, यानी हम लोग यहाँ प्रकाशकी के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाशकी क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करें, प्रकाश पर आधारित यंत्रों के बारे में अध्ययन करें, वो आपकी क्या कहलाती है? प्रकाशकी कहलाती है। और प्रकाशकी यंत्र यानी प्रकाश पर आधारित यंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, और सबसे अच्छा चैप्टर है, और इस चैप्टर से काफी नंबर उठते हैं। अब आते हैं हम लोग अध्याय 10। अध्याय 10 क्या है? तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की क्या होता है, उसके बाद इसमें कई हाइगेंस के सिद्धांत पढ़ेंगे, यंग का प्रयोग पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक इसमें भी आएंगे। तो अध्याय 10 में आपको क्या पढ़ना है? तरंग प्रकाश की पढ़ना है। एक बार जरूर आपको इसको जरूर से देखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से महीने में कब कितना पढ़ना है, कब आपको कितना पढ़ना है, कितना अभी से कितना तैयारी करें कि हम लोग इंटर का जब पेपर देने बैठे तो फिजिक्स में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। प्यारे बच्चों, आपसे एक वादा करते हैं कि फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे नहीं, फिजिक्स आप खुद फिजिक्स के साथ खेलना सीखोगे। फिजिक्स क्या है इतनी सरल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। उसके बाद आपका आता है अध्याय 11, विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, यानी इसमें हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है, विकिरण क्या होता है, तो उन सब का डिटेल से जानकारी अध्याय 11 में करेंगे। अध्याय 12 आपका परमाणु है, जो कि परमाणु और जो ये दूसरे अध्याय 13 जो नाभिक है, ये दोनों आपके थ्योरी चैप्टर हैं, यानी बहुत अच्छे चैप्टर हैं, आप इससे अच्छा खासा नंबर आप उठा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 12 परमाणु है और अध्याय 13 आपको नाभिक के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों भी चैप्टर बहुत अच्छे हैं। फिर आपका अध्याय 14 आता है अर्धचालक युक्तियाँ, तो अर्धचालक युक्तियाँ क्या कह लिया जाए? अर्धचालक युक्तियाँ में आप पढ़ोगे PNP, NPN ट्रांजिस्टर, PN जंक्शन, इन सब की जानकारी हम लोग अर्धचालक युक्तियाँ के अंतर्गत पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार लास्ट अध्याय 15वां अध्याय जो संचार व्यवस्था होता है, जो कि इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, संचार व्यवस्था में कैसे सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता है, इन सब का अध्ययन करेंगे। और सबका अध्ययन करने के बाद प्यारे बच्चों, कर्ण बैच में आपका जो है विगत 5 वर्षों के पहले जो भी पेपर हुए हैं फिजिक्स के, उन सभी पेपरों को सॉल्व कराया जाएगा प्यारे बच्चों, और हर एक महीने पर एक टेस्ट होगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार आपका देखिए ये पाठ्यक्रम है, अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में अपने नए चैप्टर के साथ, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो तब आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।